तो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन को ओवरऑल ऑनलाइन मोड में धकेल देने का काम ये सरकार करना चाह रही है। डीयू का काम था कि जो देश का सबसे पिछड़ा हिस्सा है उसको आगे, उसको कैंपस से बाहर धकेल के उसके मोबिलाइजेशन को कर्ब करके ये एनईपी को बैकडोर तरीके से पास करवा रहे हैं। जिस वर्ग में आपके फादर थे, जिस वर्ग में आपकी फैमिली थी, आप उसी वर्ग में रहे, आप उससे ज़्यादा एजुकेशन के मायने मत खोलिए। आपके पास ही खुली छूट है, सो कॉल्ड फ्रीडम है कि आप कभी भी ड्रॉप आउट करें। आज के समय पे आईआईटीएंस को नौकरियां नहीं मिल रही है, आज के समय पे डीओ के ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को नौकरियां नहीं मिल रही। जियो यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया। तो आज की मांग है कि इस यूनिवर्सिटी को रीओपन किया जाए। नहीं, डर तो नहीं लगता। आज वीएचपी जो त्रिपुरा में कर रहा है, कपिल मिश्रा गुड़गांव में कर रहा है, 68 ट्विटर हैंडल्स पे यूएपी आता है, उसमें से 67 मुस्लिम ट्विटर हैंडल्स। सच बोलने के लिए भी नहीं, आपको सच जानने के लिए आप पे यूएपी लग जा रहा है। जिन लोगों ने दंगा फसाद करवाया देश में, गुजरात में करवाया, महाराष्ट्र में करवाया, ये वही लोग आज त्रिपुरा में करवा रहे हैं। उन्हें नहीं पिछले साल दिल्ली में करवाया, आज वो गुड़गांव में खड़े हैं ये कहते हुए कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते पब्लिक में। इस समय हम दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पे खड़े हैं। यहाँ एक छात्र संगठन आईसा ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस बात को लेकर कि देश में हर चीज़ को जब नॉर्मलाइज कर दिया गया कोरोना काल के बाद, कोरोना काल के नाम पे बहुत सारी चीज़ों को बंद किया गया था जिस पे डायरेक्ट आम लोगों पे असर पड़ा था। ये छात्र संगठन है आईसा जिसने कॉल इस बात को लेकर दिया कि जब सब चीज़ नॉर्मलाइज कर दिया गया तो शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्यों बंद रखा गया, इसको खोला जाए। इसके अलावा क्या मांग है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्राथमिक मांग यही है कि जो यूनिवर्सिटी पिछले 2 साल से बंद है और इस ऑनलाइन मोड के चलते जो 2 बैचेस नए स्टूडेंट आए हैं और जो बैचेस गए भी हैं, उन सब ने लगातार अलग अलग कारणों से लगातार एजुकेशन के एक्सेस में डिफ़िकल्टी फेस करी। कुछ स्टूडेंट के पास इकोनॉमिक क्राइसिस हो, कनेक्टिविटी का इश्यूज हो, कुछ हमने लगातार देखा कि हम जब सर्वेस कर रहे थे तब ये बात आई कि महिला स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले पा रही हैं क्योंकि लॉकडाउन में है तो घर पे उनको इतना चोर्स में बिजी हैं कि वो क्लास नहीं ले पा रही हैं। तमाम जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं स्टूडेंट्स के, वो लगातार एजुकेशन से दूर हुए और इसी बीच में यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ाई है, जबकि स्टूडेंट कॉलेजेस की बिल्डिंग तक को एक्सेस नहीं कर रहे थे, कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ाई भी गई और पूरे मोड को, एजुकेशन के मोड को पूरा ऑनलाइन की तरफ धकेल दिया गया। हम लोग देख रहे हैं 2020 में ही ड्राफ्ट एनईपी आता है, ड्राफ्ट एनईपी में डिजिटल एजुकेशन पे पुरजोर एकदम उसके फेवर में ड्राफ्ट एनईपी है और ड्राफ्ट एनईपी का विरोध ऑनलाइन तरीके से हुआ, कुछ ऑफलाइन तरीके से हुआ। उसके बाद यूजीसी का नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब 60% क्लासेस कुछ कोर्सेज की ऑनलाइन चल सकती है। तो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन को ओवरऑल ऑनलाइन मोड में धकेल देने का काम ये सरकार करना चाह रही है। और ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन किसके लिए होगा? ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन उसके लिए होगा जिसके पास इतना पैसा है, जिसके पास इतना रिसोर्स है, जिसके पास इतना सोशल कैपिटल है कि वो एजुकेशन को एक्सेस कर सके। तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी का जो काम था, उस डीयू का काम था कि जो देश का सबसे पिछड़ा हिस्सा है उसको आगे बढ़ाए, एजुकेशन से उसका उत्थान करे, उसको ये लोग एजुकेशन से बाहर धकेल देना चाहते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये स्टूडेंट जब कैंपस में नहीं है उसको कैंपस से बाहर धकेल के उसके मोबिलाइजेशन को कर्ब करके ये एनईपी को बैकडोर तरीके से पास करवा रहे हैं। और एनईपी क्या है? एनईपी खुला लाइसेंस है। विरोध क्यों कर रहे हैं एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये असल में वही सारा प्रोसेस है जिसको प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस, कॉरपोरेटाइजेशन का प्रोसेस, जिसको ये एनईपी पूरी तरीके से तेज़ करती है। FYUP का मॉडल, वो मॉडल क्या है? वो मॉडल सीधे सीधे कहता है कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप एक साल इलेक्ट्रिकल का कोर्स करिए और फिर इलेक्ट्रिशियन बनिए। जिस वर्ग में आपके फादर थे, जिस वर्ग में आपकी फैमिली थी, आप उसी वर्ग में रहिए। आप उससे ज़्यादा एजुकेशन के मायने मत खोजिए। आप ये मत सोचिए कि आप PhD कर पाएंगे। आपके पास ये खुली छूट है, सो कॉल्ड फ्रीडम है कि आप कभी भी ड्रॉप आउट करें। ये फ्रीडम क्या है? ये फ्रीडम जिस इंसान के पास रिसोर्स नहीं है, जिसकी फैमिली के पास रिसोर्स नहीं है, उसको कह रही है कि ठीक है तुम इतना सा पढ़ो फिर तुम निकलो, तुम्हें जो काम आता है तुम वही काम करो। ये सो कॉल्ड स्किल बेस्ड लर्निंग के नाम पर एक टेक्नोक्रेटिक वर्किंग लेबर फोर्स ये कॉरपोरेट्स के हाथ में थमा देने का काम है, जो कि आज के समय पे आईआईटीएंस को नौकरियां नहीं मिल रही है, आज के समय पे डीओ के ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को नौकरियां नहीं मिल रही है। ये क्या है? एक मिनियन लेबर का फोर्स
पैदा करने का काम कर रही है, मोनोटोनस क्लेरिकल लेबर का फोर्स पैदा करने का काम कर रही है। और क्या है उससे, वो उस प्रोग्राम में भी क्या है, उस प्रोग्राम में खुली छूट है कॉलेजेस को सब कुछ प्राइवेटाइज कर देने की। प्राइवेटाइज किस तरीके से, पहले ये लोग बोले थे कि लोन देंगे कॉलेजेस को, ग्रांट्स नहीं देंगे। तो लोन देंगे तो चुकाएंगे कैसे, स्टूडेंट की फीस से चुकाएंगे। और आज के समय पर अगर कॉलेजेस को प्राइवेट हाथों में दिया जाता है, जो हमने देखा कि जियो यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया, 1000 करोड़ रुपया सीधा सीधा दिया गया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे कि देश का इतना बड़ा संख्या स्टूडेंट्स का पढ़ता है, उसको ये गवर्नमेंट एलोकेशंस नहीं मिल रहे हैं। सरकार लगातार शिक्षा से हाथ खींचने का काम कर रही है। सरकार चाहती है कि प्राइवेट मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स शिक्षा को संभालें, और प्राइवेट प्लेयर्स ने जब भी किसी चीज़ को संभाला है, जो आज रेलवे को धकेल देने का काम भी सरकार कर रही है। हम देख रहे हैं लगातार आम आदमी की, जो देश का मार्जिनलाइज सेक्शन है, देश का दलित है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, मुस्लिम है, उसके हाथों से, उसकी नज़र से ये सारी चीज़ें लगातार दूर जा रही हैं। तो NEP जो पॉलिसी है उसमें चाहे प्राइवेटाइजेशन, चाहे कॉरपोरेटाइजेशन, और चाहे RSS का आइडियोलॉजिकल एजेंडा, इस सब को पुश करने की कोशिश है। और जो एजुकेशन का एक सोशलिस्ट सेक्युलर नेचर भारत के टीचर्स स्टूडेंट आंदोलन ने लगातार बनाए रखने की कोशिश की है, उसका सीधा निगेशन NEP उसका कदम। अच्छा, आप लोग पिछले दिनों हंगर स्ट्राइक पे भी थे? हाँ जी, हमने दिवाली से पहले हंगर स्ट्राइक की थी, और 5 दिन का हमने हंगर स्ट्राइक किया, इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे मैं और आयुष बैठे थे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बोला था कि हम दिवाली के बाद नोटिस निकालेंगे, पर आज देखिए उस दिवाली को भी काफ़ी दिन बीत चुके हैं और अब तक यूनिवर्सिटी का कोई नोटिस आया नहीं। क्यों, हमेशा जब रीओपनिंग की बात होती है, जो DU के वाइस चांसलर बहुत गोल मटोल बात करते हैं, हर बार जब हम प्रोटेस्ट करते हैं बोलते हैं यूनिवर्सिटी खोल देंगे, हम यूनिवर्सिटी ऐसे खोल देंगे, बट हम देखते हैं उसके लिए कुछ हो नहीं रहा। किसी भी कॉलेजेस में कोई सर्वे नहीं कराया जा रहा कि कितने स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन हो गया है, कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही कि भाई हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर खोलें या कोई प्रिपरेशन करें। तो बिल्कुल दिखा रहा है कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं चाह रही यूनिवर्सिटी खुले, और इसके खिलाफ आज हमने फिर प्रोटेस्ट, कल हमने फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है कि जल्दी से नोटिस निकालिए। अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुलेगी, तो आप ये भी बताइए कि वो आपका कब इंटेंट है, आप कब खोलेंगे, आप कैसे खोलेंगे, और जल्दी से जल्द खोलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन से कोप अप नहीं कर पाए। आप कोई भी क्लास देख लीजिए, उसमें 30-40% से बच्चा ज़्यादा क्लास स्ट्रेंथ होती नहीं है, लोग क्लास अटेंड नहीं करे। इवन अभी 2-3 दिन पहले श्वेरा रेड्डी को 1 ईयर पूरे हुए हैं, 1 साल पहले डिजिटल डिवाइड के कारण, लैपटॉप ना होने के कारण LSR के होनहार स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट कर लिया था, क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं था। उनको कहा था आप हॉस्टल से निकलिए पैंडेमिक, आप घर जाइए, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, उसको 1 साल कमोमरेट हुआ। और 1 साल बाद सेम सिचुएशन, ऐसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं जो आज क्लासेस नहीं ले पा रहे, जिनका साधन नहीं है। तो आज की मांग है कि इस यूनिवर्सिटी को रीओपन किया जाए। अच्छा, आप भी थे हंगर स्ट्राइक पे? हाँ, हम हटाया गया या हटे आप लोग 5 दिनों के बाद? बता रहे थे कि 5 दिनों तक हंगर स्ट्राइक पे थे। नहीं, 5 दिन के बाद हमारा एक डेलीगेशन टीम गया था VC से मिलने, मगर VC हमसे मिला नहीं, और जो चीफ प्रोक्टर थे दो, उनसे हम मिले, बात किए, तो उन्होंने बोला कि जब गए थे तब उनका इसी मीटिंग चल रहा है, और एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा नोटिस, ये हम एश्योर कर रहे हैं। और बहुत दिखा है कि वो बहुत चिंतित है कि क्यों कर रहे हो, हमारे ही बच्चे हैं, हंगर स्ट्राइक क्यों कर रहे हो, आके फिर तुड़वाया भी, और बोला कि 7 दिन के अंदर आएंगे, मगर अभी तो दिख रहा है क्या उनका ये है कि दिवाली भी हो गया है, 7 दिन से ज़्यादा हो गया है, उन जो बात रखे थे कि खुल जाएगा अभी तक नहीं खुल रहा है। तो साफ साफ यही बात है कि नहीं खुलना चाहते ये लोग। और जो कैंपस में जो डिबेट डिस्कशन रिसेंट का एक जो माहौल है, छात्रों और टीचर्स का जो माहौल है, एकदम पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। और क्या करना है कि चोर दरवाजे से NEP को लागू करवाना चाहते हैं DU में। जो NEP में ये बोला गया है कि 40% ऑनलाइन एजुकेशन होगा परमानेंटली, तो इसको एक तरीके से लागू करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहता हूँ, मैं विजयनगर में रहता हूँ, मैं वेस्ट रहने वाले। कहाँ के? बंगाल के रहने वाले। विज्ञान, एक बात बताएं आप मुझे, देश का माहौल इस वक्त देख रहे हैं, मीडिया हो, मतलब पत्रकार हो, वकील हो, छात्र हो, या कोई सोशल वर्कर हो, कुछ भी बोल रहा है सरकार के खिलाफ, UAPA लगा दिया जा रहा है या कोई केस, आपको डर नहीं लग रहा है? ये लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, डर तो नहीं लगता है, डर तो नहीं लगता है। और जो छात्र यहाँ पर भी मौजूद हैं, हम लोग जिस संगठन से हैं और जिस विचारधारा से हैं और जिस डेमोक्रेसी प्रसंद हिस्ट्री को हम लोग जिंदा रखने का काम करते हैं,
वहाँ पे डर की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये सरकार वो काम कर रही है जो ब्रिटिशरों की सरकार ने किया। इस सरकार के लंपन वो काम कर रहे हैं जो इस समय इन्हीं के लोगों ने किया। आज VHP जो त्रिपुरा में कर रहा है, आज जो कपिल मिश्रा गुड़गांव में कर रहे हैं, वही काम है जो ये लोग करते आए हैं, उस काम के पेशेवर हैं ये लोग। आज बात यह है, ये लोग सत्ता में, और सत्ता का पुरजोर उपयोग देश को बांटने के लिए और देश को बेचने के लिए किस तरीके से करना ये लोग सीख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 68 ट्विटर हैंडल्स पे UAP आता है, उसमें से 67 मुस्लिम ट्विटर हैंडल्स हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक टीम, हमारे साथी आईसा के ही साथी मुकेश, जब त्रिपुरा में फैक्ट फाइंडिंग टीम के लिए जाते हैं, उनको नोटिस आ जाता है। ये शायद देश में पहली बार हो रहा है कि एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को, आपको सच बोलने के लिए भी नहीं, आपको सच जानने के लिए आप पे UAPA लग जा रहा है। आप सच कैसे जान लेंगे? आप ये कैसे जान लें कि VHP ने त्रिपुरा में मुसलमानों की दुकानें जलाई हैं, घर जलाएं, आप ये बात कैसे जान लें? तो मुकेश को सरकार क्या कह रही है? मुकेश को ये कह रही है कि अब आपका सत्य पे भी कोई हक नहीं है। आप रोटी कपड़ा मकान छोड़िए, आपका सत्य पे भी कोई हक नहीं है। आप सत्य जानने जाएंगे तो आप पे UAPA लगा दिया जाएगा, और आप ट्विटर पे कुछ लिखेंगे, फेसबुक पे कुछ लिखेंगे तो आप पे UAPA लगा दिया जाएगा। ये सरकारों ने किया है, और हम इसको ये भी नहीं मानते कि ये एक अच्छे लॉ का मिसयूज़ है। ये लॉ लाया इसलिए गया है, ये लॉ लाया गया है डेमोक्रेसी को कर्ब करने के लिए। ये लाया गया है जो सेक्युलर फोर्सेज आज देश में लड़ रही हैं, जो प्रोग्रेसिव फोर्सेज देश में लड़ रही हैं, उनको कर्ब करने के लिए। ये कोई एंटी टेरर लॉ नहीं है, ये वो लॉ है जो अंग्रेज सरकार लाई थी। ये रॉलेट एक्ट की तरह काम कर रहा है आज के भारत में। और अगर रॉलेट एक्ट से गांधी नहीं डरे थे, भगत सिंह नहीं डरे थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं डरे थे, तो हमें कोई हक नहीं बनता UAPA से डरने का। जो काम उस समय पर ये लोग कर रहे थे, उस काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो BJP जो RSS उस समय पर काम कर रहा था, वो उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो वही काम कर रहा है। उन्होंने देखा देश को धोखा देकर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जिन लोगों ने गुंडागर्दी, जिन लोगों ने दंगा फसाद करवाया देश में, गुजरात में करवाया, महाराष्ट्र में करवाया, ये वही लोग आज त्रिपुरा में करवा रहे हैं। ये उन्हें नहीं पिछले साल दिल्ली में करवाया, आज वो गुड़गांव में खड़े हैं ये कहते हुए कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं पब्लिक में। ये लगातार एक कम्युनिटी को, एक विचार को, लगातार अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप दलित हैं, अगर आप महिला हैं, या इन जनरल आप आज़ाद ख्याल हैं, तो ये आपको कैद करने का कोशिश करेगा। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है आखिर? क्यों, अगर आपका आरोप है कि सरकार ऐसा करवा रही है, क्या फ़ायदा क्या होता है? देखिए, फ़ायदा अगर आप ठीक ठीक मुनाफे की बात करें, तो फ़ायदा इस सरकार के वैचारिक कैंपेन को हो रहा है। RSS जो 100 साल से सपना लिया बैठा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसको लग रहा है कि वो इस काम को कर जाएगा। और उसके साथ मुनाफा अगर आप देखें तो अंबानी को हो रहा है, अडानी को हो रहा है। अडानी जो इनके इतने क्लोज यार रहे हैं, आज जब देश क्राइसिस में है, जब मजदूर को देश का पैसा जाना चाहिए था, सरकार की मदद जानी चाहिए थी, वो मदद किसको गई? वो अडानी को गई। झारखंड में 100-100 करोड़ का जो टैक्स माफ़ करके अडानी अपनी माइनिंग कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? मोदी सरकार देश को एक तरह से दंगों में बांट कर, लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर अडानी के सपोर्ट से ना खड़ी है। अडानी कहाँ थे? टॉप अमीरी की लिस्ट में देखो तो 20 से पीछे थे। मोदी सरकार को 6 साल होता है, अचानक से 4th पे आ जाते हैं, कैसे? एक प्रोसेस है ये। लगातार जो कॉरपोरेट की और सरकार की दोस्तियाँ बनी, वो दोस्तियाँ आज ये लोग निभा रहे हैं। हम देख रहे हैं जो BJP का आइडियोलॉजिकल कैंपेन है देश के मुस्लिम के खिलाफ, ये कहते हुए कि भारतवासी सिर्फ हिंदू होंगे, उसको अडानी का इकोनॉमिक स्टेचर बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मगर उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि इतिहास में हमने देखा है कि जो लोग डेमोक्रेसी के लिए खड़े थे, जो लोग एक बराबर समाज के लिए खड़े थे, वो बार बार ऐसी चुनौतियों से जीते हैं। हमने हिटलर को देखा है, मुसोलिनी को देखा है, भारत ने अंग्रेज सरकार को देखा है। जो लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़े, एक बड़ा आंदोलन क्रिएट करे, तमाम रॉलेट एक्ट, तमाम न्यूरम्बर्ग, तमाम दिल्ली पोग्रोम, तमाम UAPA, तमाम NSA के बावजूद उन लोगों की जीत हुई। क्योंकि जनता तो ये जानती है, और आज भी आप भारत में देखें तो BJP की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ वोट में नहीं है। तो एक बड़ा सेक्शन है जनता का जो ये बात जान रहा है कि BJP देश को तोड़ने का काम कर रही है, और हम उस सेक्शन को साथ मिलाकर भाजपा के खिलाफ एक पुरजोर आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट को कैंपस से धकेल कर अपनी बैकडोर तरीके से पॉलिसीज़ को लागू करना चाह रही है, क्यों? क्योंकि भाजपा को पता है आईसा और यहाँ पे बैठे तमाम स्टूडेंट वो फोर्स हैं जिन्होंने FYUP 2013-14 में वापस करवाया था, पार्लियामेंट से पास होने के बाद वापस करवाया था।
ये तो इतने बुजदिल हैं, इनने पार्लियामेंट में एनईपी पे बात रखी भी नहीं। ये इतने बुजदिल हैं, इनने कृषि कानून पर बात रखी भी नहीं पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट से भी किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से इतना डरते हैं। और इनकी बुजदिली आज दिख रही है कि ये स्टूडेंट को कैंपस नहीं आने देना चाहते, जामिया में, डीयू में, जेएनयू में कैंपस नहीं आने देना चाहते, क्योंकि स्टूडेंट एक पॉलिटिकल फोर्स बना है। क्यों बना है? क्योंकि स्टूडेंट एक प्रोग्रेसिव तबका है, स्टूडेंट देश दुनिया के बारे में सोचता है, और जो भाजपा कर रही है देश को, स्टूडेंट वो बर्दाश्त नहीं करेगा। स्टूडेंट कैंपस में भी रहेगा, मजदूर इलाकों में भी जाएगा, हर जगह जाएगा और अपना कैंपेन लेके जाएगा कि भाजपा की। आने वाले दिनों में आप भाजपा के विरोध करेंगे, ये तो समझ में आ गया जो अभी बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमने अब देखा कि जेएनयू की तरह यहाँ पे लेक्चर सीरीज आप चला रहे हैं, एकदम जेएनयू वाला माहौल, क्या 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 संदेश देना चाह रहे हैं इसे? देखिए, मतलब ऑफकोर्स जेएनयू एक प्रोग्रेसिव कैंपस है और वहाँ पे जिस तरह का स्पेस है, ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। मगर डीयू भी लगातार इस तरह के प्रोसेसेस हम लोगों ने अपने कैंपेन्स में हमेशा लिए हैं। अब सीए के आंदोलन को अगर डीयू में भी याद करें तो इसी तरह के लेक्चर्स, इसी तरह का डिस्कशन, इसी तरह का डेमोक्रेटिक डायलॉग हम लगातार करते रहे। आज हमारे साथ साथी शमसुल इस्लाम जुड़े थे। आज डीयू में हमने देखा है कि इन लोगों ने नोटिस जारी किया है कि अगले जो कॉलेज होंगे उनका नाम सावरकर और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा। तो शमसुल जी आए थे ये बात बताने की कैसे सावरकर ने 6 माफीनामे लिखे, कैसे सावरकर ने जिन्ना के साथ साथ सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी दी जिसने देश को बांटा, कैसे ही किस तरीके से तमाम एंटी मुस्लिम पोग्रॉम्स आरएसएस ने उस समय पे लिए, जिस समय पर देश अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, नागपुर की शाखाओं में मुसलमानों के खिलाफ बंदूकें उठाई जा रही थी। ये सब साथी शमसुल ने बुलाया और हमने ये बात कही कि सावरकर हमारा आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श फातिमा शेख हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबा राव फुले हैं, बिरसा मुंडा है, तिलका मांझी है, उनके नाम पर हम कॉलेज कर रखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। सावरकर के बारे में हम ना पढ़ेंगे, हम सावरकर को पढ़ के उनका क्रिटिक करेंगे, हम उनके खिलाफ खड़े हैं, सावरकर की नफरत के खिलाफ खड़े हैं। अब चाहे हम उनको पढ़ेंगे, हम उतना ही क्रिटिकली पढ़ेंगे जितना हम किसी को भी क्रिटिकली पढ़ते हैं, मगर सावरकर हमारे आदर्श नहीं हो सकते। सावरकर के नाम पे इस पूरे कैंपस का एक टाइल नहीं किया जाएगा। अब क्या कॉलेज तो छोड़िए। अभिज्ञान ने एक बात की तरफ इशारा तो ज़रूर किया है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है और नागरिकों का क्या हक है। सरकार इसी बात से डरती है बार बार कि इन युवा वर्ग को, छात्र को, छात्र संगठन को, मजदूर को, किसान को अगर बात सुनी जाए या उन्हें वो फ्रीडम स्पेस दिया जाए जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट में होना चाहिए, तो सरकार के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसीलिए हम देखते हैं इतिहास का पन्ना पलट कर तो नज़र आता है कि कोई भी बड़ा आंदोलन हुआ है उसमें युवा हो, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, इनकी बड़ी और अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि सरकार इस वक्त अभी अगर सबसे ज़्यादा डरती है और सबसे बड़ा विपक्ष किसी को मानती है तो वो है युवा वर्ग, किसान और छात्र। अभी इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस पे आर्ट फैकल्टी पे प्रदर्शन हो रहा है, वो इस बात को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी को फिर से खोला जाए। लगातार सालों से बंद किया हुआ है, हर चीज़ जहां नॉर्मलाइज कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी को क्यों बंद रखा गया है? 5 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा इन लोगों ने, दोबारे से फिर आईसा प्रदर्शन के लिए कॉल करती है। अब हर रोज़ यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे जब तक इनकी बात को मान ली नहीं जाती। सहयोगी निधि रतन के साथ मैं जसमिल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।